हम अष्टिया ले जाते ना वो प्रभु जी कथा उठना और इनके घर में रुकता ये प्रभु जी बोले ये गुंडिचा मंदिर असली जो गुंडिचा मंदिर जो इंद्र दुम्न का जो पत्नी थी उन्होंने अपना पत्नी का नाम पर ये मंदिर को रखा क्योंकि उनकी पत्नी की वजह से ठाकुर जी प्रकट हुए दिस इज द ओरिजिनल गुंडिचा टेम्पल द किंग इंद्र दुनिया महाराज made this temple specially and named it after his wife because of her his wife the actual Jagannath was found because of the inquiry about from his wife that the king got interested in finding Neel Madhav and then they found Jagannath so because the whole thing was started by his wife so Indradumna had the intention that after he leaves there should be something to remember his wife also because people will remember that he made the main temple but nobody will remember his wife so he made this temple and named it after his wife Gundica temple isliye इनका तो सिर्फ मैंने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार इस मंदिर में साल में एक बार आते हैं इसलिए सार भर वैसे पड़ा रहता है इसलिए ठीक जगन्नाथ आने से एक दिन पहले ये टेम्पल को परिष्कार की जाती सो द होल ईयर देयर इज नो डीटीज हियर इन दिस टेम्पल जगन्नाथ कम्स हियर वंस अ ईयर फॉर 7 डेज सो व्हेन ही कम्स दे क्लीन द टेम्पल अप दिस गुंडिचा टेम्पल मार्जिन दैट महाप्रभु स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट द जगन्नाथ महाप्रभु कहते इसको द्वारा गुंडिचा मंदिर जो उन्होंने महाप्रभु ने उन्हें सेवा को हर साल क्या करता था जो सेवक जो नौकर होते थे उन नौकरों के द्वारा मंदिर साफ कराया करते थे लेकिन जब श्रीमान महाप्रभु आए बोले जहाँ पर मेरे प्रियतम श्याम सुंदर आएंगे बैठेंगे उनको नौकर से सेवा होता है नहीं नौकर से नहीं भक्त तो अपना भक्ति से सेवा करता है इसलिए महाप्रभु जो झाड़ू लगाने का सेवा को मांग करके लिया बोले ये सेवा मेरे को दे दो सो द किंग व्हाट दे यूज्ड टू डू प्रीवियसली इज दैट द किंग यूज्ड टू एम्प्लॉय पीपल टू क्लीन द टेंपल अप बिफोर जगन्नाथ अराइव्स हियर बट व्हेन महाप्रभु वाज हियर ही सेड नो वी कांट डू दैट बिकॉज़ व्हेन माय लॉर्ड इज कमिंग हियर वी शुड एम्प्लॉय पीपल टू क्लीन द टेंपल वी शुड डू इट आवरसेल्फ सो महाप्रभु started this Gundica temple margin means the cleaning of the temple before the Lord Jagannath arrives lekin ye duniya mein hum kya chahte hain hum seva bada bada seva karenge lekin mahaprabhu ne kaun sa sweeper ka seva mang kar ke liya jo jhadu lagane ka seva naam mang kar ke liya lekin hamari sampraday mein jhadu lagane ka seva ka bada mahatva hai isliye shri prabodhananda saraswati prarthana karte hain क्या मेरी ऐसे कभी सौभाग्य होगा बोले क्या सौभाग्य होगा बोले जिसे निकुंज मंदिर में राधा रानी मान करके बैठी हुई श्याम सुंदर आ करके प्रवेश करना चाहते सखियों को चरण में प्रार्थना करते उसको अंदर में जाने दो लेकिन सखियाँ जाने नहीं देती हैं प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिसे निकुंज में राधा रानी मान करके बैठी हुई वहाँ की जो झाड़ू का किया मैं एक सलाह बल पाऊँगा ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करते हैं So Mahaprabhu showed that the cleaning of the temple is not a lowly job. In India, they regard cleaning and the brooming as a very lowly employment. But Mahaprabhu showed that this is what we should be doing, the cleaning of the temple and things. So Prabhudananda Saraswati Thakur, he prayed that when would be the day when I would be able to clean when Radha Krishna are meeting in the kunjas. Not only clean, but how can I become just a broomstick? Not the whole broom, but just a stick in the broom, and I can be used to clean this temple, where the Radha and Krishna are meeting in the kunjas. This is the Shyamananda Prabhu. You know, Shyamananda Prabhu, उन्होंने कैसे दर्शन किया राधा ने? उनका नुपुर कैसे प्राप्त हुआ? बल्कि केवल निकुंज और निधुवन में झाड़ू लगाया करते थे वो झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण के नुपुर की प्राप्ति हुई झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज जब यहाँ पर श्री राजा राजा श्री इंद्र प्रताप रुद्र महाराज जब महाप्रभु यहाँ पर आए प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु से मिलना चाहते थे बोले नहीं ये विषय से मैं नहीं मिलूँगा लेकिन उन्होंने कृपा कैसे किया जब देखा जगन्नाथ मंदिर को सामने ये झाड़ू लगा रहे हैं तो लोग झाड़ू लगाने का सेवा में संतुष्ट हो गए और जो जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में दर्शन दिया केवल झाड़ू लगाने का सेवा देख करके उन्होंने संतुष्ट होकर दर्शन दिया सो जस्ट गिविंग एग्जांपल्स फर्दर दैट श्यामानंद प्रभु इन वृंदावन इन
Sevakuj. In Sevakuj he used to brew. And when he was doing this seva, then that's where he found the nukul of Sri Radharani. And by when he found the nukul, then he had darshan of Sri Radharani. So this is one example. And another example is the king here, he brooms in front of Jagannath. Before the card, he does the brooming. And when he was brooming, then when Mahaprabhu saw that the king is brooming, taken this lowly job of brooming in front of the cart, then he embraced the king and he accepted him, because previously he refused to meet the king because he thought that the king are in very enjoyable state, and I shouldn't be meeting as a sannyasi, I shouldn't be meeting them. But when he saw that what the king is doing, he accepted him and he embraced him. Yes, it's Chaitanya Mahaprabhu in English. Chaitanya Mahaprabhu, you know, with his own association, Sarvadamadar, no? Sarvadamadar and Raya Ramananda and Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Pandit, you know, Mahaprabhu bring with all association, and he cleaning this own hand, this temple. Yeah, he cleaning this own hand temple. So Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, he gave very big commentary. Why? Even he, the supreme personality of Godhead, why himself he cleaning temple? What is the meaning? So he gave nice commentary. What is the deep meaning of Gundica Mandir Margin? You know, why Mahaprabhu cleaning? There is the very key, very nice commentary. Today evening time, you are this all Harikatha, you are discussing to our the Radha Damodar Gaudiya Mata, you are discussing this all Harikatha, okay? Today, so this is the Gundica Mandiri. Then Jagannath coming to here, staying here 9 days. Jagannath staying this 9 days. He telling this temple, this is not Gundica Mandir, this is the Vrindavan. And Jagannath staying Jagannath temple, this is the Dwaraka. Yeah, this is the Dwaraka. And this is the Vrindavan. So Jagannath, one time, he makes some excuse, oh, I am fever. But this is some excuse, you know. He makes this excuse and he coming, staying, this is this temple, meet with this Brajavasi, then he becomes so happy. There are so many nice pastimes. Evening time, you are this all Harikatha, evening time, you are discussing Radha Damodar Gauriya Mata. Okay? Bless Gundica Mandir ki, bless Saparsad Gaur Hari ki, Nityananda Prabhu ki, Gurudev ki, Pita Gaur Brahmanand Dev.